बच्चों वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द अकाउंट इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज राइट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक पार्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड राइट। लेट्स डू द सेकंड चैप्टर, वी आर डूइंग द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट सुनिए, फाइनल अकाउंट यस कुछ कॉलेज में स्टार्ट हुआ, बच्चे बोल रहे थे दैट्स व्हाई फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर लो। तो फाइनल अकाउंट बच्चों कॉमर्स का सबसे मेन पार्ट है। बोलते हैं अगर फाइनल अकाउंट कॉमर्स में नहीं आया तो क्या आया है ना, तो फाइनल अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। और फाइनल अकाउंट आप इससे अंदाजा लगाओ कि आपका लाइफ जब कॉमर्स का स्टार्ट हो जाओ 11th स्टैंडर्ड और टिल जब तक आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तब तक आपको हर एक साल फाइनल अकाउंट रहने वाला है। तो बच्चों आप समझ सकते हो कि अगर कोई चैप्टर आपको एक साल किए फिर अगले साल नहीं रहता बच्चों, या फिर अगले साल उसके बाद नहीं रहेगा, बट फाइनल अकाउंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 11th टू टिल आप जब तक फिनिश कर रहे हो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन PhD कॉमर्स में रहोगे तो फाइनल अकाउंट कंपलसरी होगा। सो विद दिस वी कैन से द फाइनल अकाउंट का इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों। ओके आपने 11th में भी फाइनल अकाउंट किया था बच्चों, पर 11th का जो फाइनल अकाउंट था बच्चों सोल ट्रेडिंग कंसर्न था, सोल ट्रेडिंग मतलब सिंगल पर्सन था बच्चों। बट इन 12th वी हैव टू डू द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप मतलब टू और मोर पार्टनर राइट बच्चों। इन 11th स्टैंडर्ड बच्चों वी डिड द फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर फाइनल अकाउंट, सोल ट्रेडर मतलब सिंगल पर्सन वन मैन पर्सन, ओके वन मैन बिजनेस। आप अकेला बिजनेस कर रहे हो बच्चों तो उस बिजनेस का जो भी अच्छा या बुरा हुआ यू हैव टू शेयर, प्रॉफिट हुआ तो यू विल बी एंजॉय, लॉस हुआ बच्चों तो यू हैव टू बियर। क्या किसी का शेयर करना होगा बच्चों? नो, प्रॉफिट हुआ तो आप रख लो, लॉस हुआ तो दूसरे बोलोगे? नो। सोल ट्रेडिंग आप अकेला आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसके अच्छे बुरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके खुद का है, प्रॉफिट हुआ यू विल एंजॉय, लॉस हुआ बच्चों यू हैव टू बियर, ओके दैट इज इन द सोल ट्रेडिंग कंसर्न था। बट इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड बच्चों वी आर गोइंग टू डू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, पार्टनर मीन बच्चों टू और मोर पर्सन राइट, क्लियर? टू और मोर पर्सन। कंट्रीब्यूट कैपिटल, कंट्रीब्यूट एफर्ट्स, मैनेज बिजनेस, टेक डिसीजन, जॉइन। सो शेयर प्रॉफिट, आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो बच्चों, पैसे आपने डाला है, एफर्ट्स आप डाल रहे हो, डिसीजन आप खुद लेने वाले हो, ओके ना, इन विच सोल ट्रेडिंग कंसर्न बच्चों। बट इन पार्टनरशिप में टू और मोर पर्सन, टू और मोर, दो लोग तीन लोग चार लोग पांच लोग जितने लोग भी बिजनेस कर रहे हो बच्चों। कंट्रीब्यूट कैपिटल, कंट्रीब्यूट बिजनेस करने में क्या चाहिए बच्चों? पैसे चाहिए,
तो अगर चार पांच पार्टनर जितने भी पार्टनर दो लोग मिलकर कर रहे हो तो कुछ पैसे वो कंट्रीब्यूट करेगा, सम मनी विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द अदर पार्टनर, ऑल विल बी कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूट एफर्ट्स, सब लोग मेहनत करेंगे बच्चों, सेवी पार्टनर विल कंट्रीब्यूट एफर्ट्स, दे पुट देयर एफर्ट्स इनटू द बिजनेस, मैनेज बिजनेस टुगेदर, साथ में मिलकर बिजनेस को मैनेज करेंगे बच्चों, एंड जस्ट टेक द डिसीजन ज्वाइंटली, कोई भी डिसीजन बच्चों अपनी मर्जी से नहीं हो सकता है, सारे पर्सन दे हैव टू कंबाइन टेक द डिसीजन, ओके। और जब बच्चों कैपिटल सब लोग मिलकर डाल रहे हैं, एफर्ट दे पुटिंग ऑल, मैनेज बिजनेस टुगेदर, सब कुछ सब कर रहे हैं बच्चों, डिसीजन सब लोग मिलकर कर रहे हैं, तो क्या प्रॉफिट अकेला लेगा कोई? नो, तो शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद पार्टनर, तो अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो बच्चों तो लोगों को आपस में शेयर करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आएगा बच्चों कि सब कैसे शेयर करेंगे, आधा आधा बांट लेंगे क्या, वो डिपेंड करता है बच्चों, वो हम लोग देखेंगे आगे, ओके। चिंता करने बच्चों हम लोग का फाइनल अकाउंट का डिफ्रेंसिएशन बच्चों, 11 वी डिड द सोल ट्रेडिंग पार्टनर फाइनल अकाउंट, ओके, व्हाइल इन द 12 वी विल गोइंग टू डू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ठीक है बच्चों। पार्टनरशिप मीन्स टू और मोर पर्सन कमिंग टूगेदर, तो बच्चों इन द फाइनल अकाउंट में पार्ट में तो भी सोल ट्रेडिंग मेंशन था, तो सोल ट्रेडिंग में बच्चों कितने पर्सन होते हैं? वन मैन ना, वन मैन पर्सन बिजनेस। अब अकेला हो तो पैसे कौन डाले बिजनेस में? यू हैव टू रेज द कैपिटल, अकेला ही है तो किसी का इंतजार करोगे क्या? नो, यू हैव टू पुट द एफर्ट्स, यू हैव टू मैनेज द बिजनेस ऑल द थिंग्स, एंड यू हैव टू टेक एज एन वेंट डिसीजन, आपको डिसीजन भी लेना पड़ेगा बच्चों, बराबर। और जब आप पैसे आप डाल रहे हो, एफर्ट आप डाल रहे हो, डिसीजन आप ले रहे हो बच्चों, तो ऑब्वियसली इंजॉय ऑल द प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो तो यू विल इंजॉय, और अगर लॉस हो बच्चों यू हैव टू बी अवेयर, मतलब आपको ही सहन करना पड़ेगा लॉस बच्चों, नो शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है बच्चों, किसी के साथ हमको प्रॉफिट लॉस बांटना नहीं था बच्चों, ठीक है। ये था पहले बच्चों व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 11 पार्टनरशिप एंड द 12 पार्टनर फाइनल अकाउंट बच्चों, ओके। इसे रोड वे ऑफ फाइनल अकाउंट बच्चों, लेट्स फाइनल अकाउंट का कैसे प्रोसीजर होता है बच्चों, ऑब्वियसली फर्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों, ट्रांजेक्शन मीन्स डीलिंग, परचेज सेल के ना, सर्विस प्रोवाइड सर्विस गिवन, प्रोडक्शन सेल, वो सब ट्रांजेक्शन बच्चों। आफ्टर डूइंग द ट्रांजेक्शन बच्चों लोग क्या करते हैं, उसका डॉक्यूमेंट वाउचर, बिल रसीद, कैश मेमो, ओके, तो वाउचर ड्रॉ करना होता है डॉक्यूमेंट्स बच्चों, वो डॉक्यूमेंट के बेस पे क्या होगा बच्चों, यू हैव टू पास इन द एंट्री जनरल एंट्री, याद है कुछ लेन में, यस जनरल एंट्री, आफ्टर जनरल एंट्री वी हैव टू गो फॉर अ सब्सिडियरी बुक, क्या था बच्चों याद है, चार सब्सिडियरी बुक किए थे, लेन परचे बुक, सेल्स बुक, परचे रिटर्न, सेल्स रिटर्न मालूम है, तो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचे रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, ये सब्सिडियरी बुक बच्चों। ऑल कैश ट्रांजेक्शन वी विल रिकॉर्ड इन द कैश बुक बच्चों, तो थ्रू द सब्सिडरी बुक एंड कैश बुक वी हैव टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट ईच एवरी इंडिविजुअल का बच्चों, याद है कुछ 8-10-12 अकाउंट ड्रॉ होता था लेजर एंट्री, तो बहुत सारे लेजर अकाउंट होते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल का लेजर अकाउंट ड्रॉ करते हैं, थ्रू लेजर बच्चों वी हैव टू पास द प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, क्या बच्चों, एंड ट्रायल बैलेंस के बाद क्या था बच्चों फाइनल अकाउंट, ये था रोडवे बच्चों। तो आपने ये 11th में किया था ट्रांजेक्शन, थ्रू ट्रांजेक्शन वी हैव टू ड्रॉ द डॉक्यूमेंट एंड वाउचर, आफ्टर वाउचर वी हैव टू पास द जनरल एंट्री, थ्रू जनरल एंट्री वी नीड टू गो टू द सब्सिडियरी बुक बच्चों, फिर हम लोग कैश बुक पे आते थे, देन लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस बच्चों, एंड आफ्टर दैट फाइनल अकाउंट बच्चों। अब कुछ के दिमाग में फाइनल अकाउंट बनाते क्यों भाई, फाइनल अकाउंट के बाद ही बच्चों आपने मान पड़ता है कितना अपना एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस होता है बच्चों, ओके। बड़ी बड़ी कंपनियां जो फाइनल अकाउंट बनने के बाद उसका होता है ऑडिटिंग, होता है ऑडिटिंग, होता है ऑडिटर, सुने हो ऑडिटर, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल अकाउंट को चेक करता है बच्चों, अकाउंटेंट करता है बच्चों, क्योंकि उसके बाद आ रहे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको क्या होता है ऑडिटिंग कराता है, ऑडिटर ऑडिटर उसको चेक करता पूरा बच्चों, एंड ऑडिटिंग होने के बाद ही क्या होता है बच्चों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, तब आपको कितना टैक्स भरना नहीं भरना है उसका आपको पूरा गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा, तो उसका इनकम टैक्स रिटर्न करना, ये पूरा पूरा प्रोसीजर है बच्चों द रोड वे ऑफ फाइनल अकाउंट, ओके।
दे ऑल वी हैव डिड इन द 11th स्टैंडर्ड बच्चों, हम लोगों को ये करना है। अभी ये सब कुछ नहीं करना बच्चों, ये आपके लेवल में भी नहीं है। ऑडिटिंग आपका ग्रेजुएशन के बाद हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे डिग्री कॉलेज में ऑडिटिंग के बारे में। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बारे में हम पढ़ाई करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन में, ओके। तो खाली अभी तक हम लोग को फाइनल अमाउंट करना है। ट्रायल बैलेंस सुने हो, ट्रायल बैलेंस हम लोग डेबिट और क्रेडिट कॉलम बनाते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट कॉलम ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, मशीनरी, बिल्डिंग, कैपिटल, सेल्स, क्या ना कुछ। तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस बस, इट इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब बच्चों इसका अकाउंट, खाली पेपर पे आप क्या करो, ऑल द डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस आइटम, कौन कौन सा आइटम डेबिट वाला है, कौन कौन सा आइटम क्रेडिट वाला है, विच विल बी प्रिपेयर आइटम, विच विल प्रिपेयर ऑन अ पर्टिकुलर डेट। बच्चों पर्टिकुलर डेट मतलब कोई खास डेट पे हर एक आइटम जिसका डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस आइटम बिफोर डूइंग द फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट से पहले बच्चों जो स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ये स्टेटमेंट ऑफ ऑल द डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस आइटम विच इज प्रिपेयर ऑन अ पर्टिकुलर डेट। बच्चों पर्टिकुलर मतलब कोई खास कोई भी डेट पे हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मली फाइनल अकाउंट को स्टार्ट करने के लिए ट्रायल बैलेंस ड्रॉ होता है। बच्चों ट्रायल बैलेंस सिंपली इट इज अ इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस आइटम, सारे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के आइटम का जो इन्फॉर्मेशन है वही क्या बच्चों अपना ट्रायल बैलेंस है, ओके। बच्चों व्हाट इज फाइनल अकाउंट, व्हाट यू विल से व्हाट इज फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट इज अ सेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट बच्चों, ओके। तो कोई फाइनल अकाउंट अलग से कोई फाइनल अकाउंट नहीं है, सब लोग बोलना फाइनल अकाउंट ड्रॉ करना था लेजर अकाउंट की तरह, नो ना, फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट तीन कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बच्चों सो व्हाट इज फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट इज अ सेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ओके। फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो अबाउट पोजिशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। व्हाई वी प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट बच्चों, तो फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो अबाउट पोजिशन। पोजिशन मतलब बच्चों जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे पास एक मशीन था, अब मैं बिजनेस 2 साल हो गया 1 साल हो गया उसके बाद एक बिजनेस में कितने मशीन है। जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो 500 रुपये कैश लॉकर में था, अब मेरे अकाउंट में कितना पैसे है। जब बिजनेस स्टार्ट किया था आपने यारे 2 लेबर से काम किया था और अब कितने लेबर है। फ्रॉम वेयर यू आर यू वेयर एंड नाउ वेयर यू आर, कहाँ थे और कहाँ आगे बच्चों, वो एक साल के बीच में, दैट इज योर पोजिशन ऑफ द बिजनेस। एंड द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट और लॉस बच्चों, प्रॉफिट हुआ कि लॉस। ऑफकोर्स अगर प्रॉफिट होता बच्चों इट इज अ गुड परफॉर्मेंस, लॉस हो रहा है बच्चा तो आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस वर्स है। सो अगर कोई पूछ दिया व्हाट इज फाइनल अकाउंट बच्चों, ये 2 पॉइंट बता सकते हम लोग। फाइनल अकाउंट इज अ सेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एंड फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो अबाउट द पोजिशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। पार्टनरशिप इट इज डिफाइंड एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, हम इसको उसी में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। डिफाइंड एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बच्चों, इंडियन पार्टनरशिप 1932 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया, और यह
टू और मोर पर्सन बच्चों, टू और मोर, ऑफकोर्स पार्टनर होने के लिए बच्चों कम से कम दो लोग होने चाहिए ना, यू कांट से द वन पर्सन इज अ पार्टनर, अकेले को पार्टनर नहीं बोल सकते हम लोग, देयर हैव टू बी टू, सो टू और मोर पर्सन कम टूगेदर टू फॉर्म अ बिजनेस, दो लोग या दो से ज्यादा लोग मिलकर बच्चों कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए विद द कॉमन ऑब्जेक्टिव, अब कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, बोलते जैसे गाड़ी के चार पहिए बच्चों, अगर चारों पहियों का डायरेक्शन एक साइड में रहेगा बच्चों तो गाड़ी चलता है, चारों पहियों का अगर डायरेक्शन अलग रहेगा तो बच्चों कैन यू रीच द डिस्टेंस, नो, वैसे बच्चों अगर चार पार्टनर है, चारों पार्टनर का अगर अलग अलग थिंकिंग फिलोसफी रहेगा, यू कांट डू द बिजनेस बच्चों, ओके, द कॉमन ऑब्जेक्टिव मतलब हर एक पार्टनर का मकसद एक ही क्या बच्चों, प्रॉफिट करना, ओके, सो व्हेन द टू और मोर पर्सन कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिजनेस विद द कॉमन ऑब्जेक्टिव टू हैव प्रॉफिट, ओके, तो प्रॉफिट कमाने के लिए अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप बच्चों, ठीक है, तो व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डिफाइन अगले का शॉर्ट में बोल रहा हूँ बच्चों, उसी में हम इसको डिटेल में करेंगे, सो एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये है क्या बच्चों एक्ट, आप लोग सुनते दफा 302 के तहत, ताजे रातें हिंद 340 के तहत, बस ये एक्ट है बच्चों, हमारे संविधान में सारे कानून को अलग अलग धाराओं में बांटा गया है, कई धाराएं, तो ऐसे पार्टनरशिप को इंडियन पार्टनरशिप 1932 में डिफाइन किया गया, ठीक है बच्चों, सो टू और मोर पर्सन कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिजनेस, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके अगर बिजनेस करते बच्चों और उनका ऑब्जेक्टिव एक होता है क्या करना, प्रॉफिट कमाना, इट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप, ठीक है बच्चों, ज्यादा ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं, that important, if you wanted to do the business of banking, banking business बच्चों, तो बोलेगा कि हम लोग को कोई बैंक खोलना है, अच्छा देखते हो बहुत सारे बैंक है ठीक ना, कॉमर्शियल बैंक, अगर बैंक का बिजनेस करना बच्चों तो मिनिमम टू पार्टनर एंड मैक्सिमम 10 पार्टनर, बैंकिंग बिजनेस के लिए बच्चों मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम कितना पार्टनर बच्चों 10 पार्टनर, वाइल द अदर बिजनेस, बैंकिंग छोड़ के कोई और बिजनेस करना चाह रहे बच्चों तो मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 20 पार्टनर, ओके, बैंकिंग का कोई लाइन में बिजनेस करना है तो आप अपने बिजनेस में ज्यादा कितना पार्टनर रख सकते हो 10, अगर आपने 11वां पार्टनर आईडी मिल किया बच्चों तो आपका बिजनेस इलीगल है ठीक ना, और अगर बैंकिंग छोड़ के कोई और बिजनेस करना बच्चों मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम कितना होना चाहिए बच्चों 20 पार्टनर से नीचे, ठीक है बच्चों, इधर पार्टनरशिप में हाउ टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड लॉसेस, कैसे प्रॉफिट लॉस बांटेंगे बच्चों लोग, पहला पॉइंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, कैपिटल, अब क्या बच्चों कैपिटल, सपोज ए और बी पार्टनर है, इसने 1 लाख डाला 1 लाख डाला, दोनों ने पैसे सेम डाला है तो दोनों कैपिटल सेम आया है, कैपिटल सेम है प्रॉफिट भी क्या होगा इक्वल, ओके, बट अगर ए ने 3 लाख डाला और बी ने 2 लाख डाला बच्चों तब क्या आएगा, 3 लाख और 2 लाख, 3 हिस्सा और 2 हिस्सा ना, इसका मतलब अगर 5 रुपए प्रॉफिट हुआ तो उसमें 3 रुपए ए का है 2 रुपए बी का है, 3:2 इसको लो तो 3:2 3:2 3 हिस्सा और 2 हिस्सा, तो हम लोग क्या करेंगे पहले 3 और 2 5 प्रॉफिट को 5 हिस्सों मार दो चो उसमें 3 हिस्सा ए का 2 हिस्सा बी का, सोचो कैसा करो सब देखेंगे हम लोग, ये ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल बच्चों,
सेकेंड बच्चों होता है ऑन द बेस ऑफ टाइम डिवोटेड। टाइम डिवोटेड मतलब कितना टाइम दे रहे बच्चों। सपोज दैट ए और बी है बच्चों, इसने भी 1 लाख कैपिटल डाला, इसने भी 1 करोड़, दोनों पैसे सेम डाला बच्चों, लेकिन ए 8 घंटे ड्यूटी करता है बच्चों और बी खाली 4 घंटा ड्यूटी करता है, तो क्या प्रॉफिट सब सेम मिलेगा? कैपिटल 1 लाख है बट ए डूइंग द ड्यूटी ऑफ 8 आवर्स, अब बी खाली 4 घंटे ही रहता है बच्चों, तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा डालता है। इफ ए पुट इन द मोर टाइम दे विल गेट मोर प्रॉफिट बच्चों, तो होता है टाइम बेस पे, ठीक है। और थर्ड होता है मे बी द इक्वली, इफ क्वेश्चन में कुछ भी साइलेंट रहेगा, क्वेश्चन रिमेन साइलेंट है बच्चों, कुछ दिया नहीं है, तो ऑलवेज भी इक्वली होता है बच्चों। क्वेश्चन कुछ मेंशन नहीं रहेगा तो हमेशा प्रॉफिट कैसे बांटते, इक्वल यानी बराबर बराबर, ठीक है। सो हाउ टू शेयर द प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, कौन से पार्टनर कितना कैपिटल डालता है उसके बेस पे, और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिवोटी, कितना टाइम आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। एंड फाइनली अगर क्वेश्चन कुछ भी मेंशन नहीं हुआ है कि कैपिटल के बनाने के टाइम के बेस पे, तो हमेशा क्या होता है इक्वल बच्चों, ओके। आज मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप से थोड़ा टच कराया बच्चों, ओके। फिर मैंने फाइनल अकाउंट के बारे में बहुत डिटेल ही गया हूँ, आई एम जस्ट इंट्रोडक्शन दिया हूँ 11th एंड 12th का ऑडियो डिफरेंस और पार्टनरशिप के बारे में बताया, ठीक है बच्चों। तुम्हारा हम लोग इसको फाइनल अकाउंट के बहुत सारे रूल्स हैं, तो बहुत कुछ है बच्चों इसमें भैया, तो फाइनल अकाउंट को डोंट बी टेक लाइटली, इसका सीरियसली इसका वीडियो प्रॉपर पूरा देखो और थ्योरी ऑन द टाइम कंप्लीट करो बच्चों, ठीक है ना।